हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स। एक है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। ये टॉपिक्स जो हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो हैं बहुत काम आएंगे, स्पेशली इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन। सो बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है किसी हार्मफुल सब्सटेंस का एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना, मेनली थ्रू द फूड चेन या इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, जब कोई फिश कंटेमिनेटेड वाटर में जो है रहती है, जिसमें हार्मफुल जो है केमिकल्स होते हैं जैसे मर्क्यूरी, तो वो धीरे धीरे उस केमिकल को जो है एब्जॉर्व करती रहती है और ये सब्सटेंस जो है उसकी बॉडी से रिमूव नहीं होता बल्कि धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन तब होता है जब पॉल्यूटेंट्स जो हैं परसिस्टेंट होते हैं, लाइक हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्क्यूरी या डीडीटी पेस्टिसाइड्स। ज्यादा इफेक्ट उन ऑर्गेनिज्म पर होता है जो लॉन्ग जो है लाइफ स्पैन वाले होते हैं, जैसे लार्ज फिश, डॉल्फिन्स या ह्यूमंस। बात करूं बायो मैग्निफिकेशन की, तो बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पॉल्यूटेंट जो है फूड चेन में जो है हर ट्रॉफिक लेवल पर जो है इंक्रीज करता रहता है। एग्जांपल, अगर एक स्मॉल फिश कंटेमिनेटेड जो है प्लैंकटन खाती है और फिर एक लार्ज फिश उस स्मॉल फिश को खाती है, तो वो हार्मफुल केमिकल जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो है और ज़्यादा कंसेंट्रेशन में जो है एक्यूमुलेट होते हैं। ऐसे करते करते जब ये पॉल्यूटेंट्स ह्यूमंस तक पहुंचते हैं तो इनकी कंसेंट्रेशन जो है और भी ज़्यादा हो जाती है। बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादा हायर ट्रॉफिक लेवल में जो है होता है, जैसे ह्यूमंस और जो लार्ज शिकारी होते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है फूड चेन पर होता है, जिसमें हर लेवल पे जो है पॉल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता रहता है। अब बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बीच का फर्क देखते हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है पॉल्यूटेंट का इंक्रीज होना, और बायो मैग्निफिकेशन क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में जो है पॉल्यूटेंट का इंक्रीज होना, फूड चेन में जो है हर लेवल पर कंसंट्रेशन बढ़ना। अब बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट है। तो पॉल्यूटेंट्स जैसे मर्क्यूरी और डीडीटी जब ह्यूमन फूड चेन में जो है एंटर करते हैं, तो इनका कंसंट्रेशन जो है डेंजरस लेवल तक जो है पहुंच सकता है, जिससे जो है न्यूरोलॉजिकल डैमेज है ना। तो जो मर्क्यूरी है इसके एक्सपोजर से जो है नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो सकता है और कई जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं वो भी आ सकते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स का जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी जो है बुरा असर होता है। बात करूं इकोसिस्टम पर, तो हायर ट्रॉफिक लेवल के जो एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स और लार्ज प्रेडेटर्स जो है इन पॉल्यूटेंट्स के जो है ज़्यादा शिकार होते हैं। बायो मैग्निफिकेशन की वजह से जो है कुछ जो स्पीसीज हैं वो एंडेंजर्ड हो जाती हैं, जैसे कि प्रेडेटरी बर्ड्स, ईगल्स हो गए, फाल्कन्स हो गए, जिनकी जो है एग शेल्स जो है पतले हो जाते हैं ड्यू टू डीडीटी एक्सपोजर की वजह से। अब देखते हैं कॉमन पॉल्यूटेंट्स जो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन करते हैं। तो हैवी मेटल्स में आ गया मर्क्यूरी, लीड, कैडमियम। पेस्टिसाइड्स में आ गया डीडीटी, जो जमीन से जो है वाटर बॉडीज तक पहुँचता है और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में जो है एक्यूमुलेट होता है। अगला है इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे पॉली क्लोरिनेटेड बाईफिनाइल, PCBs, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो है इन्वायरमेंट में जो है रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं एक केस स्टडी की जो रिलेटेड है बायो मैग्निफिकेशन से, तो वो है मिनीमाता डिजीज़ जापान में। तो मर्क्यूरी कंटेमिनेशन से जो है एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो है स्प्रेड हुई थी इन 1950s। ये जो है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का जो है एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। रीज़न क्या था? इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जो है मर्क्यूरी का कंटेमिनेशन जो फिशिश तक जो है पहुंचा और फिर ह्यूमंस तक जो है फूड चेन के थ्रू जो है पहुंचा।
दूसरी केस स्टडी है डीडीटी एंड ईगल्स इन यूएसए। डीडीटी पेस्टिसाइड का यूज जो है यूएसए में बर्ड्स पर जो है डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट डाल रहा था, स्पेशली ईगल्स पर। इनके जो है एग शेल्स पतले हो जाते थे और पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे जब है कोलैप्स जो है इनकी होने लग गई थी, क्योंकि जो उनका एग था वो पूरा फॉर्म नहीं हो रहा था, वो जल्दी ब्रेक कर जा रहा था क्योंकि एग शेल जो है बहुत पतले थे। और इसी को जो है बायोमैग्निफिकेशन का एक जो है क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। बात करूँ ग्लोबल और नेशनल रेगुलेशंस की, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो है 2001 की जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन है, जिसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को जो है एलिमिनेट या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है ये कन्वेंशन बनाई गई थी, जिसमें डीडीटी जैसे केमिकल्स को जो है कंट्रोल करने के जो है स्टेप लिए गए। इंडिया ने जो है डीडीटी का जो है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है यूज़ रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पॉल्यूटेंट कंट्रोल और हैजर्डस सब्सटेंस की रेगुलेशन के लिए जो है इंडिया का एक की लेजिस्लेशन है। अब थोड़े पॉइंट्स देखते हैं। मेजर्स टू रिड्यूस बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो इंडस्ट्रीज़ को जो है अपने वेस्ट को जो है प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग इट टू द इन्वायरमेंट। पब्लिक को जो है हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में जो है एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। सेफर अल्टरनेटिव का जो है यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक सीरियस कंसर्न है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये दोनों टॉपिक्स के इफ़ेक्ट्स एग्जाम्पल और रेगुलेशन पर जो है फोकस करके आप इन्हें जो है ईजिली टैकल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।